हम मनीष कश्यप जी से आग्रह करेंगे कि दो वचन हमारे बीच जरूर रखें। मेरा नाम मनीष कश्यप है भैया, बता जाओ। बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ होंगे लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, इसलिए मैंने अपना नाम बताया। बिहार के पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूँ और चंपारण वही जगह है जहाँ से इस देश की आजादी का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसका नाम सत्याग्रह है। और उस मिट्टी पे मेरा जन्म हुआ और मैं बिहार और झारखंड को कभी अलग मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक जैसा ही है। हालांकि कुछ लोग जो है बार बार बहुत सारा विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अब इस विवाद से नुकसान क्या होता है हम लोगों को, ये मैं बता देना चाहता हूँ। एक हृदयपाल नाम का एक लड़का है, हृदयपाल का नाम का लड़का, बांग्लादेश में उसके ऊपर इस निंदा का आरोप लगा है और उसे जो है आर्मी के देख रेख में जो है वहां पे मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया है। आज का ब्रेकिंग न्यूज। अब क्योंकि हम लोग आपस में इतने बटे हुए हैं और एक दूसरे को इतना नफरत की निगाह से देखते हैं कि हमें अपने देश के लोगों के लिए ही आवाज उठाने का फुर्सत नहीं है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम कैसे आवाज उठाएंगे? सही है कि नहीं है? ये सच्चाई है। यूपी में अगर कुछ हो रहा है तो हम बिहार झारखंड के लोगों को क्या मतलब, बिहार में हो रहा है तो वहां पे क्या मतलब, महाराष्ट्र में हो रहा है तो यहाँ पे क्या मतलब? सही है कि नहीं है? आज धीरे धीरे ये आग लगा हुआ है, जब जंगल में आग लगता है ना तो उसे बुझाया जाता है, अगर नहीं बुझाएंगे ना तो वो पूरे जंगल को जो है खाक कर देता है। ये धीरे धीरे आग लगा हुआ है। बांग्लादेश चूंकि भारत का ही एक भाग था, आज वहां से हिंदू विलुप्त होते जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाएगा कि डायनासोर नामक एक प्रजाति जो है जैसे विलुप्त हो गया, वैसे ही हिंदू बांग्लादेश से विलुप्त हो गए। ये चीजें हैं। लेकिन चूंकि हम लोग अपने राज्य में बिहार में या झारखंड में या यूपी में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या कर्नाटक में या केरल में हम लोगों को इतना उलझा दिया गया है आपस में ना, उस वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोगों को एक रहना चाहिए। मैं ये यहाँ पे नहीं कहूंगा कि आप किस पार्टी को वोट दीजिए, किस पार्टी को वोट नहीं दीजिए, क्योंकि ये सांस्कृतिक मंच है। ये बात मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों के पास बुद्धि विवेक है, आप लोग एक रहिए, मजबूत रहिए, सशक्त रहिए, क्योंकि एक समय जो है वो ईरान में हिंदू थे, अफगानिस्तान में हिंदू थे, पाकिस्तान में हिंदू थे, श्रीलंका में हिंदू थे, बांग्लादेश में हिंदू थे, यहाँ तक कि जो है भूटान में हिंदू थे। गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पिया गैलन रंगून वहां से गैलन टेलीफोन। ये चीजें हैं। आज पिया रंगून नहीं जा सकते हैं, ये सच्चाई है। कहां कहां से भागे गए हम, पहले हमने ईरान छोड़ दिया, अफगानिस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, बांग्लादेश छोड़ दिया, बर्मा छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर अब छोड़ दीजिए, ये तो दूसरा देश हो गया। भारत में आप कश्मीर चले जाइए, स्थिति देख लीजिए, केरला की स्थिति देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए। ये स्थिति आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बस इतना ही। पूजा कीजिए, आइए पूजा कीजिए, जाइए आइए पूजा कीजिए, जाइए। अरे पूजा करने वाला आदमी 100 साल बाद बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? आप लोग बताइए, बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए ना, तो उसके लिए प्रयास कौन करेगा? हमारा शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में, शास्त्रों में शस्त्रों की भी विद्या दी गई है, दी गई है कि नहीं है? लेकिन वो विद्या दिया गया है कि हम कभी भी किसी निर्दोष पे शस्त्र कभी नहीं उठाते हैं। उठाए क्या? हमारे शास्त्रों में लिखा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। तो सबका साथ सबका विकास का प्रयास हम लोगों को करना होगा, लेकिन अपना भी तो घर देखना होगा, अपने भाइयों को भी तो देखना होगा। हृदयपाल के बारे में आज मेरे पास मैसेज आया, आप लोग भी जानते होंगे। अरे भैया आपका भाई थोड़ी मरा है वहां पे, आपका बेटा के ऊपर थोड़ी लोग जो है डंडा मार रहे हैं, आपका पति तो सुरक्षित है अभी, आपका लड़का तो अभी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में टनाटन पढ़ाई कर रहा है,
आपका दुकान तो अभी चल रहा है, किसी ने लूटा नहीं ना है, सही है कि नहीं है? आपके घर में अभी किसी ने आग थोड़ी लगाया है, आपकी बहन को थोड़ी किसी ने जो है 36 टुकड़ों में काटा है, जब तक काटेगा नहीं तब तक नहीं मानेंगे, सही है कि नहीं है? तो सोचिए लोग, आप लोग, बाकी आप लोगों की मर्जी। बस इतना जरूर कहूंगा, कहीं भी जाऊंगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है हिंदुओं को, बढ़ाना है ना, बढ़ाना है हिंदुओं को। वोटिंग परसेंटेज 90% होना चाहिए, 90% याद रखिएगा। कितना परसेंट? 90% भैया, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है बस। बाकी अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, बस इतना ही कहूंगा कि बटना नहीं है, हम लोगों को एक रहना है, और एक रहने का मतलब एक रहना है। जय हिंद।